Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the infinite knowledge hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, myself Balraj Singh, class 10th, human eye chapter padhte. What is human eye? Human eye kya hai? So let's see. जानते हैं हम आँख के बारे में. द आउटर मोस्ट वाइट पार्ट विच इज बल्जिंग आउट इट इज कॉल्ड एज कॉर्निया. ये यू कैन सी दिस इज कॉर्निया. आउटर मोस्ट वाइट बल्जिंग पार्ट जो दिखता है हमें वो कहलाता है क्या? कॉर्निया. देन इनसाइड द कॉर्निया जो ब्लैक दिस ग्रेश ब्लैकिश पार्ट, इसका डिफरेंट डिफरेंट कलर हो सकता है इंसान में. किसी में ब्लैक, किसी में ग्रेइश, किसी में थोड़ा ग्रेइश से थोड़ा डिफरेंट, सम वॉट ब्लूइश ग्रीनिश, बहुत रेयर होते हैं. तो दिस कॉल्ड एज आयरिस. थ्रू द आयरिस ओनली, आयरिस के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको कॉल जाता है क्या? प्यूपिल. कॉर्निया इज वाइट पार्ट, आयरिस, आयरिस के अंदर एक छोटा सा पार्ट है प्यूपिल जिसके थ्रू लाइट एंटर्स इनसाइड द आई. तो लाइट एंटर्स इनसाइड द आई थ्रू व्हाट? थ्रू प्यूपिल. प्यूपिल इज अ स्मॉल ओपनिंग इनसाइड द आयरिस. देन एक्वस ह्यूमर इज द, एक्वस ह्यूमर इज व्हाट? इट इज द लिक्विड फील्ड ओवर हियर टू प्रोटेक्ट द आईज. देन क्रिस्टलाइन लेंस, ये लेंस है हमारा, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये लेंस है. दिस इज योर लेंस. अब लेंस को होल्ड करके कौन रखता है? उसके लिए रिक्वायर्ड है हमें कौन सी मसल्स? सीलियरी मसल्स. देयर इज अ लेंस और लेंस को ऊपर से नीचे से होल्ड करके कौन रखता है? सीलियरी मसल्स. कॉर्निया, देन आयरिस, प्यूपिल, लेंस. लेंस को होल्ड करके कौन रख रहा है? सीलियरी मसल्स विच हेल्प. जब हमें कोई दूर की चीज़ देखनी होती है, जब कभी आपने देखा हो, कभी हम ओल्ड एज पीपल को देखते हैं, उन्हें जब फोकस करने में परेशानी होती है तो हमें, या हमें कोई दूर की चीज़ देखनी है तो हम क्या देखते हैं? वी कॉन्ट्रैक्ट आर आइज. एंड समटाइम्स पास की चीज़ देखनी हो तो वी एक्सपांड आवर आइज. तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन की वजह से सीलियरी मसल्स पे इफेक्ट होता है और वो इफेक्ट डायरेक्टली जाके किसको? लेंस की शेप को चेंज करता है और उससे लेंस की फोकल लेंथ चेंज होती है, राइट? एंड वी आर एबल टू सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और अ फार ऑब्जेक्ट और अ नियर बाय ऑब्जेक्ट. रेटिना इज द इनर पार्ट ऑफ द आई. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रेटिना. रेटिना पे क्या होता है? हमारी लाइट आके हमें इमेज फॉर्मेशन देती है एंड दैट इमेज फॉर्मेशन जो भी सिग्नल मिल रहा है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ पास होता है? ब्रेन को. और ब्रेन उस सिग्नल को क्या करता है? इंटरप्रेट करता है, रीड करता है, उसके बाद में हमें बताता है कि आपने जो देखा वो इस तरह का ये चीज़ है. ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पे जहाँ ओपनिंग है यहाँ ब्लाइंड स्पॉट है, मतलब यहाँ पे अगर आके कोई लाइट आएगी तो उसकी कोई इमेज नहीं बन पाएगी. द आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज स्क्लेरा. विट्रियस ह्यूमर, यहाँ जो लिक्विड भरा है वो विट्रियस ह्यूमर. स्क्लेरा एंड कोरोइड आर व्हाट? दे आर, they provide the strength and flexibility to the eyes. So, human eye is a natural optical instrument which is used to see the objects by human beings. It is like a camera which has a lens and a screen system. So, various parts of the eye are, first retina. Retina kya tha? Last wala part, jahan pe aake light kya hoti hai? Image formation hoti hai light ki. It is a light sensitive screen inside the eye at which image is formed. It contains two types of cells, rods and cones. Cornea, the white bulging part, it is a thin membrane which covers the eye. It acts like a lens which refracts the light entering the eye. तो कॉर्निया रिफ्लेक्शन नहीं करता, लाइट को वापस नहीं भेजता, वो रिफ्रैक्शन करता है, लाइट को पास ऑन होने देता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर.
Aqueous humor is the fluid between the space between cornea and lens. Eye lens, it is a what type of lens? Convex lens. Okay? With the help of ciliary muscles, वो अपना curvature change कर सकता है, ये चीज़ हम देख चुके हैं. Right? Pupil, it is a hole. बताया था ना? Iris के अंदर cornea, cornea के अंदर iris, iris के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा होल है विच परमिट्स के किस समय कितनी लाइट को एंटर होने देना चाहिए. कभी आपने इमेजिन किया है ऑन अ लाइक सनी डे आप बाहर आए सूरज की तरफ अगर आप देखेंगे कैन यू सी प्रॉपरली योर आईज बिकम्स कॉन्ट्रैक्टेड. तो वहाँ वो कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि इस प्यूपल के थ्रू बहुत ज़्यादा लाइट अंदर एंटर हो रही होती है. तो उस प्यूपल के साइज को डिक्रीज करने के लिए यू कॉन्ट्रैक्ट योर आईज और जब वो लाइट कम आ रही होती तो यू ट्राई टू एक्सपांड योर आईज कि आपको वो चीज़ से लाइट ज़्यादा आए तो आप आराम से उसको देख सकें. राइट, इट इज़ अ होल इन द मिडल ऑफ द आयरिस राइट थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई. इट अपीयर्स ब्लैक बिकॉज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट गोज इन टू द आई एंड डज नॉट कम बैक. ओके, सिलियरी मसल्स क्या हैं जो लेंस को कंट्रोल करती हैं? वो है सिलियरी मसल्स. दीज आर द मसल्स विच आर अटैच टू आई लेंस एंड कैन मॉडिफाई द शेप ऑफ आई लेंस. कभी कॉन्ट्रैक्ट कभी एक्सपैंड, उससे या तो वो चीज़ बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, पतली हो जाएगी या फिर छोटा हो जाएगा साइज में और थोड़ा फैल जाएगा. दे मॉडिफाई द शेप ऑफ द आई लेंस विच लीड टू द वेरिएशन इन फोकल लेंथ. इस तरह से हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज होती है. कभी तो हम पास की चीज़ को आराम से देख सकते हैं, कभी बहुत दूर की चीज़ को भी आराम से देख सकते हैं. दिस इज द वेरिएशन इन द फोकल लेंथ ऑफ आर आई लेंस. कभी हमें बहुत आसानी से हम इतनी पास की चीज़ भी देख सकते हैं और उसके कंपेरिजन में जस्ट विद इन अ सेकेंड वी कैन सी अ लॉन्ग डिस्टेंस थिंग. राइट, तो ये क्या है? अकोमोडेशन है हमारे आई का. बहुत दूर की चीज़ बहुत फट से देख लेना, उसके बाद हमारे आईज को फट से स्विच कर लेना कि कहाँ देखना हमें. तो इतनी दूर और इतनी करीब अगर एक किसी और लेंस को आप फोकस बैठाना चाहेंगे तो इट विल टेक टाइम. बट आई हैज़ अ वेरी हाई अकोमोडेशन. इसको अकोमोडेशन ऑफ आई बोला जाता है. आगे देखेंगे अभी. आयरिस, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल. आयरिस के अंदर प्यूपिल है. ऑप्टिकल नर्व, दीज आर द नर्व्स विच टेक द इमेज टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. ऑप्टिकल नर्व क्या करती है? आपने आई जो लाइट कैच की है वो लाइट को सिग्नल की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ब्रेन तक लेके जाती है टू इंटरप्रेट, टू रीड ऑन कि ये क्या चीज़ है आपको बताने के लिए. यहाँ पे आप वही फंक्शन देख सकते हैं. Pupil opens and closes in order to regulate the controls amount of light. Yes or no? Iris controls light level similar to the aperture of a camera. जैसे कैमरा में उसका एपर्चर कंट्रोल करता है कितना लाइट आना चाहिए कितना लाइट नहीं, वैसे ही आयरिस कंट्रोल करता है कि हमारी ह्यूमन आई में कितनी लाइट अंदर आनी चाहिए कितनी नहीं आनी चाहिए. स्क्लेरा, what is sclera? Protects the outer coat. राइट, सिमिलरली कॉर्निया, थिन मेम्ब्रेन विच प्रोवाइड 67% ऑफ द आईज फोकसिंग पावर. क्रिस्टलाइन लेंस हेल्प्स टू फोकस, हमें फोकस करने में हेल्प करता है लेंस. कंजंक्टिव कवर्स द आउटर सरफेस. एक्वस ह्यूमर प्रोवाइड्स पावर टू द कॉर्निया, प्रोवाइड्स द आई विद फॉर्म शेप. वेट्रस ह्यूमर, ये दोनों फ्लूइड्स हैं. Retina captures the light rays focused by the lens and sends it to brain via optic nerve. देख चुके हैं हम ये. Optic nerve क्या है? जो electric signals को लेके जाएगी कहाँ तक? Brain तक. Ciliary muscles, they contract and expand and help to change the size of the lens and to focus the lens. Contraction extends in order to change the lens shape for focusing. For example,
देखें यहाँ पे क्या बोलता है, यू वुड ऑब्जर्व ट्यून, यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन यू कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल, इतनी बात पर रुकेंगे, क्या सिनेमा हॉल से आते हैं हमारी आईज को तकलीफ होती है, वी आर नॉट एबल टू लाइक, हमें बहुत वो उजाला सा आंखों को ऐसे करता है जैसे वो कौन से अंधेरे से आए हैं हम, कि हमें वो उजाला तकलीफ देता है, यस और नो? तो उस जगह वो क्या चीज़ हुई, जैसे ही हम अंधेरे से आते हैं हमारी आईज अंधेरे को सूटेबल थी तो बहुत ज़्यादा आयरिस और प्यूपिल आराम से ओपन थे, राइट, प्यूपिल ओपन था बेसिकली आयरिस की साइज के लिए, तो बहुत ज़्यादा लाइट एंटर होती है, लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं ओह इट फील्स लाइक अ ग्रेट अमाउंट ऑफ लाइट इज एंटरिंग आवर आई। तो व्हेन यू कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल आफ्टर वॉचिंग द मूवी इन द ब्राइट सनलाइट योर आईज गेट्स क्लोज्ड एंड व्हेन यू एंटर द हॉल फ्रॉम द ब्राइट लाइट, अगर ब्राइट लाइट से अंदर आए तो क्या हो जाता है, यू वॉन्ट बी एबल टू सी। ये दो चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी आपने, बहुत ज़्यादा लाइट से हम रूम में जाएंगे अंधेरे रूम में तो हमारी लाइट को ऐसा लगेगा हमें कुछ दिख नहीं रहा, और अगर बहुत ज़्यादा अंधेरे से हम एकदम ब्राइट लाइट में जाएंगे तो हमारी आईज एकदम छोटी हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि हमें अडेप्ट करने में टाइम लगता है थोड़ा सा, राइट? सो यू वुड बी एबल टू सी आफ्टर सम टाइम। हाँ, हियर द प्यूपिल ऑफ द आई प्रोवाइड्स अ वेरिएबल एपर्चर हूज साइज इज कंट्रोल्ड बाय आयरिस। तो ये सब क्यों होता है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने के लिए, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय हूम? आयरिस। ओके, कितना लाइट एंटर होना है वो चीज़ एडजस्ट करने में टाइम लगता है। व्हेन द लाइट इज ब्राइट, जब बहुत ज़्यादा लाइट ब्राइट होगी तो आयरिस कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो डैट द लेस लाइट एंटर्स द आई। कि लाइट बहुत ज़्यादा है, जब हम सूरज की तरफ देख रहे लाइट बहुत ज़्यादा है, कम लाइट हमारे आईज में जानी चाहिए, दैट्स वाई आयरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ताकि प्यूपिल भी कॉन्ट्रैक्ट हो और छोटा सा रहे तो लाइट कम एंटर हो। व्हेन द लाइट इज डिम आयरिस एक्सपैंड्स, आयरिस एक्सपैंड्स द प्यूपिल, प्यूपिल को बड़ा कर देता है आयरिस, ताकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो तो हमें कुछ तो थोड़ा सा दिखाई दे। प्यूपिल ओपन्स कम्प्लीटली व्हेन आयरिस इज रिलैक्स्ड, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट कंडीशंस फॉर द आई वर्किंग। ये यू कैन से परसिस्टेंस ऑफ विजन एंड पावर ऑफ अकोमोडेशन। परसिस्टेंस ऑफ विजन कैट इज द टाइम फॉर विच सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन द आई, इट इज अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड, 1/16 ऑफ अ टाइम ऑफ अ सेकेंड। इतने में हम किसी भी चीज़ को फट से हम परसिस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन, बहुत जल्दी जल्दी आपने स्विच किया, बहुत करीब की चीज़ को बहुत दूर की चीज़ को, बहुत करीब की चीज़ को बहुत दूर की चीज़ को फोकस कर पाए, दैट इज़ योर पावर ऑफ अकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंगली एज द डिस्टेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। टू एडजस्ट द आई अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, पास बहुत दूर, पास बहुत दूर, दिस इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। जितना ज़्यादा जो आई कर पाएगी वो उतनी पावरफुल है, उसका अकोमोडेशन उतना ही ज़्यादा अच्छा है। नाउ व्हेन सीलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड, सीलियरी मसल्स क्या हैं? ऐसे मसल्स हैं जो क्या करती हैं, लेंस को होल्ड करके रखती हैं। दीज आर, दिस इज लेंस and these are what ciliary muscles। जब ciliary muscles relax होंगे तो lens और ज़्यादा thin हो जाएगा, और जब ये contracted होंगे तो lens कैसा हो जाएगा, thick हो जाएगा। तो देखे, when they are relaxed eye lens becomes thin, उसकी वजह से उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी। इन दोनों लेंस में अगर कंपेयर करें, इन दोनों में कंपेयर करें तो फोकल लेंथ किस लेंस की ज़्यादा होगी, जो थिन होगा उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। उसकी वजह से क्या हो जाता है, इट इनेबल्स टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वेरी
क्लियरली फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना इजीली वो दूर की चीज़ पे फोकस कर सकता है. कॉन्ट्रैक्ट होंगी, आई लेंस बिकम्स थिक ड्यू टू विच इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस. नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकता है वो, दूर के नहीं देख सकता उस समय. क्लियर है? ये कंपैरिजन ध्यान में रहना चाहिए. नियर पॉइंट ऑफ द आई एंड फार पॉइंट ऑफ द आई, ये क्या है? व्हाट इज नियर पॉइंट ऑफ द आई? जो सबसे करीबी मेरी आंख जिस पॉइंट तक क्लियरली विजुअलाइज कर सकती है, दैट इज माय नियर पॉइंट ऑफ द आई. और जहां मैक्सिमम दूर तक मैं देख सकता हूं वो क्या है? फार पॉइंट ऑफ द आई. नियर पॉइंट ऑफ द आई, फार पॉइंट ऑफ द आई. सो नियर पॉइंट ऑफ द आई, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट एनी स्ट्रेन, विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन द आईज. इसका एक स्टैंडर्ड है, इट इज टेकन एज 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल आई. राइट? किसी भी नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर लिया जाता है क्या? नियर पॉइंट ऑफ द आई. व्हाट इज फार पॉइंट ऑफ द आई? नॉर्मल आई के लिए कितना लिया जाता है? इन्फिनिटी. नॉर्मल आई मीन्स विदाउट एनी डिफेक्ट. It is the farthest point up to which the eye can see the objects clearly. That is far point. Near point, far point. Normal eye के लिए near point तो कहाँ पे है? 25 centimeters. Far point is at infinity. I hope it is clear, guys. Next. What is color blindness? Color blindness क्या है? आप देख ग्रीन कलर रहे हो, आपको लग रहा है ब्लू कलर है, और आप देख ब्लू कलर रहे हो, आपको लग रहा है ग्रीन कलर. यू कैन डिफ्रेंशिएट वेदर इट इज़ ब्लू कलर और ग्रीन कलर. दूसरों को डिफ्रेंशिएट हो सकता है, आपको नहीं हो रहा, तो आपको क्या है? उस कलर की पहचान नहीं है. तो उस कलर की पहचान क्यों नहीं है? रीज़न क्या है? रॉड्स एंड कॉन्स, दो तरह के सेल्स देखे थे. कहाँ पे? रेटिना के अंदर. तो कलर ब्लाइंडनेस अ पर्सन हैविंग डिफेक्टिव कोन सेल्स. सी फॉर कलर, सी फॉर कोन. कौन से सेल्स? रेटिना के सेल्स, जो कोन सेल्स हैं, इज नॉट एबल टू, जिसमें वो कम होते हैं या नहीं होते हैं या डिफेक्टिव होते हैं, वो डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता दो कलर्स के बीच में. दिस इज नोन एज कलर ब्लाइंडनेस. जिसके रेटिना में कोन सेल्स अगर एबसेंट होंगे या डिफेक्टिव होंगे, ही कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू कलर्स, एंड दिस इज कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस. देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड. टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा. मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि कभी अपन पूछते हैं कि सिंपली व्हाट इज दिस कलर? डू इट व्हेन यू आर विद सम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ऑफ योर्स. तब हम देखेंगे कुछ को तो वो कलर वही दिख रहा है जो हमें भी दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मल है. कुछ अजीब सा जवाब देंगे. इट माइट हैपन. तो वहाँ पे उस इंसान को क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है. और कई बार ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को सारे कलर्स की कलर ब्लाइंडनेस हो. नहीं, किसी दो या तीन स्पेसिफिक कलर्स का ही झोलमाल रहता है. झोलमाल मीन्स दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट. ब्राउन दिखाओगे तो ग्रीन दिखेगा, ग्रीन दिखाओगे तो ब्राउन दिखेगा, या ग्रीन दिखाओगे तो भी ब्राउन दिखेगा, ब्राउन दिखाओगे तो भी ब्राउन दिखेगा. मतलब उनके आईज ग्रीन कलर को डिटेक्ट नहीं कर पा रही है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या है? द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच आई कैन सी क्लियरली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड नियर पॉइंट. नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट कहाँ है? 25 सेंटीमीटर. आगे देखेंगे अभी डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होते हैं. डिफेक्ट्स ऑफ विजन मतलब बचपन में हमारी जितनी रेंज थी कि हम यहाँ पे ये चीज़ आराम से देख सकते हैं, अब वो चीज़ यहाँ तक शिफ्ट हो गई है. मीन्स व्हेन यू वर अ किड, वर्टिकल लाइन को देखें, यू आर इजीली एबल टू रीड अप टू हियर. जब आप बड़े हुए तो वो नियर पॉइंट जो आपका था नॉर्मल आई के लिए तो अभी वही है, लेकिन आपकी आई अगर डिफेक्टेड है,
आपके लिए वो नियर पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया? दूर। तो इन दोनों के बीच का जो दायरा है वो आपके लिए क्या हो गया? बिल्कुल, बचपन में तो यहाँ तक देख सकते थे, अब यहाँ देख सकते हैं। तो ये दायरे के बीच में अगर कोई चीज़ रख दूँ तो वो क्या होगा उस आई के लिए? ब्लाइंड, क्लियरली नहीं दिखता, राइट? ऐसे ही दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ द नियर पॉइंट। ऐसे ही अगर फार पॉइंट था किड जब हम थे या चाइल्डहुड में, और फार पॉइंट वॉज वे बिहाइंड, बहुत दूर था फार पॉइंट, लेकिन जैसे जैसे एज आई या आई में डिफेक्ट आया, ज़रूरी एज के साथ ही हो, एज के साथ होना स्वाभाविक है, बट एक बच्चे में भी हो सकता है, राइट? फार पॉइंट जो है आपका वो दूर ना रह के कहीं थोड़ा सा आगे आ गया है, तो उन दोनों के बीच में जो गैप हुआ वहाँ आप प्रॉपरली नहीं देख सकते। ओरिजिनल फार पॉइंट पीछे था, न्यू फार पॉइंट आगे हो गया। तो या तो फार पॉइंट का आगे शिफ्ट हो जाना या नियर पॉइंट का दूर शिफ्ट हो जाना, ये कहलाते हैं क्या? आई डिफेक्ट्स। कुछ और भी डिफेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड, राइट? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट? सो लेट्स सी, नियर पॉइंट फार पॉइंट क्या है? नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम नॉर्मल आई। फार्देस्ट पॉइंट क्या होता है? अप टू विच द आईज कैन क्लियरली सी। फॉर नॉर्मल आई इट इज एट इन्फिनिटी, हम देख चुके हैं। नाउ द रेंज ऑफ विजन, डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट इज नोन एज रेंज ऑफ विजन। रेंज मीन्स किस रेंज के बीच में आप देख सकते हैं। तो ये आपका नियर पॉइंट, ये आपका फार पॉइंट, तो ये हो गई आपकी क्या? रेंज, राइट? हर आई के लिए अलग होती है। पावर ऑफ अकोमोडेशन, द एबिलिटी ऑफ द आई टू सी नियर एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। मायोपिया, पहला आई डिफेक्ट क्या है? मायोपिया। उसके साथ में और क्या लिखा हुआ है? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मीन्स इन दिस डिफेक्ट द आई इज अनेबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। यहाँ शुरुआत नियर से होती है, लेकिन बेसिकली उसको दिख क्या नहीं रहा? दूर का नहीं दिख रहा। तो अगर नियर साइटेडनेस है, मीन्स नियर का तो दिख रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा, मतलब उसका फार पॉइंट पहले कहीं बहुत दूर था, अब पास में शिफ्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका आई है, इनिशियल फार पॉइंट आपके लिए था, नया फार पॉइंट एफ डैश यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो अब ये जो रेंज है इसमें आपको दिखाई कैसे देगा? आई समझ, योर फार पॉइंट हैज शिफ्टेड नियर टू द आई। सो नियर साइटेडनेस इज व्हाट? कि दूर का जो दिखता था पहले कहीं दूर तक, वो आगे शिफ्ट हो गया है, वह है मायोपिया। सो व्हाट इज मायोपिया? आई इज अनेबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट इज एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट्स। नियर का कोई दिक्कत नहीं है, बस फार वाले में दिक्कत है। तो नियर साइटेडनेस, रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द आईबॉल। आईबॉल की साइज बड़ी हो गई तो उससे उसकी फोकल लेंथ क्या हो गई? कम हो गई, और वो जितना दूर पहले देख सकता था उतना दूर नहीं देख पा रहा। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और कॉर्निया, सॉरी, सेम रीजन, ड्यू टू इंक्रीज इन पावर और डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। क्यों? क्योंकि आई का पावर क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो या तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई और पावर इंक्रीज हो गया, दोनों वे में बोलते हैं, फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई और पावर इंक्रीज हो गया। दिस इज द टेक्निकल लैंग्वेज। फोकल लेंथ क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, तो ऑटोमेटिकली पावर इंक्रीज हो गया, तो उसको क्या हुआ है? मायोपिया, राइट? सो व्हाट इज मायोपिया? नियर साइटेडनेस, मतलब बहुत दूर जो पहले दिखता था उतना दूर नहीं दिख पा रहा, राइट? ध्यान रखिए ये चीज।
करेक्शन क्या है मायोपिया का? मायोपिया का करेक्शन है डिस करेक्शन बाय अ कॉनकेव लेंस। उससे पहले यहां देखिए होता क्या है, प्लीज पे अटेंशन। दिस इज योर आई लेंस, दिस इज योर रेटिना, अब आई का जो लेंस है वो क्या करता है, पैरेलल रेज को, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट से कोई रेज आ रही है तो ऑब्वियसली हमारे आईज के आते पास आते वो कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। उन पैरेलल रेज को वो जो कन्वर्ज कर रहा है पहले ही कन्वर्ज कर देता है, तो ऑब्वियसली जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, नॉट एग्जैक्टली ऑन रेटिना। इमेज कहाँ बनी, रेटिना तक पहुँचने से पहले ही बन गई, तो रेटिना पे इमेज नहीं बनी, रेटिना से पहले ही इमेज बन गई। दिस इज कॉल्ड अ मायोपिक आई, मायोपिक आई में ये डिफेक्ट होता है। जबकि नॉर्मल आई के अंदर क्या होता है, कोई भी रेज आती है चाहे फार पॉइंट से, चाहे नियर पॉइंट, चाहे फार पॉइंट, वो कहाँ बननी चाहिए, इमेज रेटिना के ऊपर बननी चाहिए। अगर वो नहीं बन रही है तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, वो इमेज क्लियरली माइंड इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, राइट। सो मायोपिक आई इज नियर फार पॉइंट का, सॉरी नियर साइटेडनेस, फार पॉइंट का आगे शिफ्ट हो जाना, नियर साइटेडनेस मतलब नियर का तो दिख रहा है, आगे साइटेडनेस खत्म मतलब फार पॉइंट का नहीं दिख रहा उसको एक लिमिट के बाद, तो जो फार पॉइंट है वो नई जगह शिफ्ट हो गया, आगे आ गया है। इट इज़ करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में देखेंगे हम हाउ इट कैन बी करेक्टेड, राइट। सिंस अ कॉनकेव लेंस हैज एन एबिलिटी टू डाइवर्स द इनकमिंग रेज, क्या बोला हमने यहां पे, कॉनकेव लेंस, हियर अ कॉनकेव लेंस, इट हैज द एबिलिटी टू डाइवर्ज, डाइवर्ज मीन्स जो लाइट रेज रेटिना तक पहुंचने से पहले ही कन्वर्ज हो जानी थी और रेटिना आगे था, उनको क्या करना है, हमें थोड़ा सा डाइवर्ज करना है ताकि वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हों या कन्वर्ज हों कि जाके वो कहाँ मिले, रेटिना पे मिले। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उनको कहना थोड़ी देर तो और चलो यार, थोड़ा सा दूर और चलो, तो वो थोड़ा सा दूर उनको चलने के लिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। जो कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस, इट डाइवर्ज द इनकमिंग रेंज। लाइट चैप्टर में बड़ा बता रखा है आपको ये, एक कॉनकेव लेंस कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, वो इनकमिंग रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, दूर दूर भेजता है। तो उस डाइवर्जिंग, अब ये नहीं कि सूटेबल चेक करने के बाद ही लगाया जाता है कि सूटेबल कितना करेक्शन की ज़रूरत है, अकॉर्डिंगली वी डिज़ाइन दी सूटेबल लेंस ऑफ करेक्ट फोकल लेंथ, और उससे हमें पता पड़ता है कि इस आई को कितने डाइवर्जिंग लेंस या कॉनकेव लेंस की ज़रूरत है, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस पता कैसे पड़ेगा, किसी आई में डिफेक्ट है आपको कैसे पता पड़ेगा कि उसको कॉनकेव डिफेक्ट है या कॉन्वेक्स डिफेक्ट है, या कॉनकेव लेंस की ज़रूरत है कॉन्वेक्स लेंस की। यू जस्ट आस्क हिम द फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव में आ रही है तो वो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, मतलब उसको दूर का सही नहीं दिखाई देता, क्लियर है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। इट इज़ यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ विजन, द इमेज इज अलाउड टू फॉर्म एट द रेटिना बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर। तो ये आई में क्या डिफेक्ट था, जिससे हमने कॉनकेव लेंस लगाया तो जो पैरेलल रेज आ रही थी वो हल्का सा आप देख सकते हैं यहाँ पे, हल्का सा डाइवर्ज हुई, उस डाइवर्जन की वजह से वो कहाँ जाके मिल रही हैं, रेटिना पे मिल रही है, और रेटिना पे जब इमेज मिलेगी तो क्या होगा, करेक्ट इमेज होगी,
क्लियर है? मायोपिक डिफेक्ट में क्या हो रहा है, रेटिना से पहले ही इमेज बन जा रही थी, रेटिना को पता ही नहीं पड़ रहा था इमेज में क्या आ रहा है, किस चीज़ की इमेज है। ऑलराइट, जब हमने एक कॉनकेव लेंस लगाया, मतलब डाइवर्जिंग लेंस लगाया, उसके हेल्प से रेज कहाँ बनी, मायो रेटिना पे, और मायोपिक डिफेक्ट करेक्ट हो गया, तो कॉनकेव लेंस के हेल्प से होता है, तो इसका करेक्शन आई डिफेक्ट याद रखना है आपको। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर गाइस। तो इस पार्ट में ही देखेंगे हम, इस पार्ट के आगे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ और चीज़ें भी देखेंगे और आई डिफेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है आपको। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन एज जैक एंड जिल अकेडमी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड जैक एंड जिल अकेडमीज ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर फॉर ऑनलाइन कोर्सेज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी लेवल। Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.